चेयरमैन प्रत्याशी ने ग्रीन सिटी एवं क्लीन सिटी बनाने का लिया संकल्प आशीष गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी आशीष गुप्ता के नेतृत्व में आज दिनांक 10 अप्रैल 2023 को जनता से जनसंपर्क किया। चेयरमैन प्रत्याशी आशीष गुप्ता ने बताया कि हमारा प्रयास ग्रीन सिटी क्लीन सिटी और ददरी मेला की अपनी जमीन, हिंदू भाई बहनों के लिए पवित्र घाट का निर्माण, धोबी बंधुओं के लिए अपनी घाट निर्माण करने का संकल्प लिया और साथ ही साथ नगर की समस्याओं को बहुत जल्दी निदान करने का वादा किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे जिससे कि पार्टी और मजबूत हो सके। करने से ज्यादा करने में मैं विश्वास रखता हूं, इसलिए अगर बलिया की जनता ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो निश्चित रूप से ये सारी समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाएगा, इसमें कोई विलम्ब नहीं होने वाला। आशीष गुप्ता, व्यापारी युवा नेता। जी, नगर निकाय के चुनाव सरगर्मी बहुत तेज हो गई है, तमाम लोग दवादरी में लगे हैं, आचार संहिता भी लागू हो गई है जी। हम जानना चाहते हैं, आप भी सुनने में, आप भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं जी, जी। क्या एजेंडा है, किस मुद्दे के तहत आप चुनाव में उतरे हुए हैं, क्या लोगों को बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं और दूसरा नंबर व्यवसायी भी हूं। इस चौक में हमारा जन्म हुआ है, इसी बलिया शहर में रह करके हम इस समाज को देखते हैं, सुने हैं, कमियों को जानते हैं। हमारे चुनाव लड़ने का मूल उद्देश्य इस बलिया नगर के जो व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करना और इसके वैभव को परम वैभव तक ले जाना। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है ये वचनबद्ध है बलिया के विकास के लिए। हमारे दयाशंकर सिंह जी जो विधायक हैं, उन्होंने इस बलिया के लिए पुरजोर माने मेहनत किए हैं, उनके मेहनत के कारण ही बलिया में 421 करोड़ रुपये की परियोजना आई है, उसमें विकास कितना होगा ये आने वाले चुनाव के बाद पता चलेगा जी। जी, अभी नगर पालिका का जो स्थिति इस प्रकार कहेंगे और ये कैसे सुधरेगा, जो जनता आशीर्वाद इसने देती है तो देखिए, ये सुधरने का एक ही मंत्र है, जनता निष्पक्ष होकर के केवल उम्मीदवार और पार्टी के स्तर को देखते हुए सारा एक मत होकर के जब चुनाव होगा तभी जा करके ये व्यवस्था सुधरेगी। जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर बट करके एक दूसरे को विरोध करेंगे तो ये व्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी, क्योंकि मैंने अक्सर सुना है चुनाव होने के बाद जब नेता के पास कोई जाता है तो वो कहता है कि ये आदमी हमको वोट नहीं दिया, वो आदमी हमको वोट नहीं दिया, इसलिए इसका काम नहीं होगा, उसका काम नहीं होगा। ये व्यवस्था से बाहर निकल करके चुनाव जीतने वाला प्रत्येक जो उम्मीदवार है और जो नेता बनेगा उसके मन में ये होना चाहिए कि समस्त बलिया के नागरिकों ने मुझे जिताया है और मैं जीतने के बाद समस्त बलिया नागरिकों की समस्याओं का मैं समाधान करने के लिए वचनबद्ध हूँ, तब जा करके इस बलिया की व्यवस्था को हम बदल पाएंगे और सुधार पाएंगे। क्या आप हैं? जी, मेरा मत एकदम स्पष्ट है, बलिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक हो, उसके लिए मैं तत्पर हूँ, काम करने के लिए तत्पर हूँ, जहाँ खोजेंगे वहाँ खड़े रहेंगे। और मेरी योजना भी तय है, बलिया के चुनाव से पहले ही मैंने बता दिया था कि 5 सूत्री योजना हमारी है। बलिया में पहला नंबर ददरी मेला की अपनी जमीन होनी चाहिए, दूसरा नंबर बलिया जाम मुक्त होना चाहिए। ये जो दोनों बातें हैं इसमें जाम मुक्त वाली बातें मैंने सरकार से भी कही है, अपने विधायक सांसद से भी कहा है, तो उन्होंने इस पर निर्णय भी लिया। देखिए सड़क कितनी सुंदर हो गई है, सड़क पे जो पट्टी बंधी हुई है इसके कारण जाम थोड़ा कम हुआ है। और दूसरी बात, जो 4 लेन की सड़क पास हुई है आपके चित्तूपांडे चौराहे से जो कदम चौराहा तक, उस पर भी बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। और वो जब बन जाएगा आपका 4 लेन बाईपास बन ही रहा है, ये सब काम अगर जमीन पर उतर जाएंगे तो जाम ऐसे भी मुक्त हो जाएगा। और तीसरा, अपने धोबी बंधुओं के लिए घाट बनाने का विचार है। और चौथा, हमारे हिंदू भाइयों बहनों के लिए एक सुरक्षित का मतलब होता है बाकायदे उनको सुरक्षा मिले, वहाँ नहाने के लिए कोई 10 साल का भी बच्चा अपने से चला जाए तो उसकी सुरक्षा तय होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे घर से बिना बताए बच्चा चला गया और बाढ़ में डूब के मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी तय करना पड़ेगा कि उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, क्योंकि बलिया गंगा नदी के किनारे सटा हुआ एक धाम है, ये एक शहर ही नहीं है, एक धाम है। यहाँ पर ददरी मेले की शुरुआत में जो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होता है उसमें लाखों लोग बलिया में आते हैं स्नान करने के लिए। यहाँ कम से कम 200 घाट हैं, लेकिन कोई सरकारी व्यक्ति ये बता दे कि इस घाट पर सुरक्षा है, आप यहाँ जाकर नहाइए, नहीं बता पाएंगे। तो इसको तय करना है।